बहुत इंपॉर्टेंट होता है अवार्ड, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अवार्ड इज़ अ काइंड ऑफ मोटिवेशन, और हमको अगर अप्रिसिएशन ना मिले काम में तो डीमोटिवेशन तो बनता है. तो आई थिंक ऑल थैंक्स टू ऑल दीज अवार्ड फंक्शंस एंड इवेंट्स, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिलता है. ऑफ कोर्स फैंस से तो मिलता ही है, बिकॉज वी काइंड ऑफ रिसीव डीएम्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द अवार्ड्स आई थिंक वी गेट मोर मोटिवेटेड, तो और जोश आता है काम करने. आई थिंक इट्स गुड. अभी तो मैं इसी के सक्सेस को इन्जॉय कर रही हूँ, बिकॉज अभी कल ही अनदर 5 एपिसोड्स रिलीज हुए हैं. सो आई एम इन्जॉइंग दैट. फैंस का जो रिस्पॉन्स है इट इज़ ओवरवेल्मिंग. ऑल थैंक्स टू माई कास्ट, सेबान अजीम, दीपशिका नागपाल एंड निवेदिता बासु एंड ऑल ऑफ दैट. बट अभी है चीज़ें पाइपलाइन में, आई जस्ट वॉन्ट टू नॉट डिस्क्लोज इट राइट नाउ, बट आई विल लेट यू नो. आई एम ओपन फॉर एवरी थिंग. मैंने ऑलरेडी नच बलिए कर रखा है, सो आई काइंड ऑफ नो द यू नो एसेंस ऑफ रियालिटी शोज एंड आई एम इन लव विद रियालिटी. मुझे नॉन फिक्शन शोज ज़्यादा पसंद आते हैं फिक्शन से. सो इट्स बिग बॉस देन आई ऑल्सो खतरे के खिलाड़ी में आपकी फ्रेंड निमृत है. सी अबाउट निमृत आलूवालिया, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है, सो आई नो दैट शी इज़ यू नो वेरी रफ एंड टफ गर्ल. शी इज़ जस्ट देयर यू नो स्पोर्टी एंड ऑल ऑफ दैट. सो मुझे पक्का यकीन है कि वो जीत के ही आने वाली है. मैम बात करें अगर फिटनेस को लेकर, 21 जून को योगा डे है, उसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? यार आई रियली सपोर्ट फिटनेस, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है, बट आई एम नॉट रियली फॉन्ड ऑफ योगा. आई एम रियली इन लव विद पिलाटेज एंड जिम एंड कार्डियो एंड ऑल ऑफ दैट. बट आई नो लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स जो योगा करते हैं, तो आई थिंक दैट्स अ गुड वे टू वर्क आउट एंड आई मीन आई एंजॉय योगा. जी क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? हाँ, मैंने अभी वही बोला है कि मुझे ग्रेट रिस्पॉन्स मिल रहा है फैंस की वजह से. आई थिंक इट्स क्वाइट ओवरवेलमिंग, और मैं चाहती हूँ कि और ज़्यादा से ज़्यादा फैंस इस चीज़ के साथ जुड़े, इस शो को देखें, बिकॉज इट्स अ म्यूजिकल लव स्टोरी, और लव स्टोरी किसे पसंद नहीं आती है. सो इट इज़ अमेजिंग, द रिस्पॉन्स इज ऑल्सो अमेजिंग. Thank you guys.